स्वागत है आप सभी का। साथियों, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप लोग इन दिनों कर रहे हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। पहला कमेंट्स आप लोगों का एक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आखिर में जिस प्रकार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड रीजन्स वाइज आया था, जैसा कि आप लोग जानते हो नॉर्थ रीजन्स, ईस्टर्न रीजन्स और ऐसे प्रकार रीजन्स वाइज आया था, दोस्तों क्या उसी प्रकार आपका जो कि कटाप भी रीजन्स वाइज आएगा क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का पहला ही है। आज के इस वीडियो में प्रूफ के साथ या आप लोग जानोगे तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोग पूछ रहे हो कि आखिर में आंसर की कब आएगा और आपका जो कि उसमें आंसर की में क्या क्या दिखेगा, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीट आप लोग यह भी जानोगे कि आपका आंसर कि कब आएगा और उसमें क्या क्या दिखेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोग पूछ रहे हो कि फिजिकल की तैयारी किस दिन से शुरू करें, तो आप लोग ये भी आप लोग जान जाओगे। और आप लोगों का विशेष ध्यान देने योग्य बातें ये भी हैं, जिस भी कैंडिडेट का अभी परीक्षा नहीं हुआ है उसको क्या करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो आज तक गलती करते हुए आए हुए हैं, आप लोगों को नहीं करना है, इस वीडियो में आप लोग जान जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तथा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सबसे पहला मेन सवाल जो है यही बता दें कि आखिर में आपका कट ऑफ रीजन्स वाइज आएगा या फिर एक ही में। दोस्तों इससे पहले जो वैकेंसी आई थी साल 2016-17 में जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वह भी वैकेंसी किसके द्वारा निकाली गई थी, एसएससी के द्वारा ही निकाली गई थी। और आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका कटाप बिल्कुल जो कि रीजन्स वाइज नहीं आया था, एक ही में आया था। कटाप जो कि रीजन्स वाइज नहीं आएगा, एक ही में आएगा। दोस्तों कटाप रीजन्स वाइज तब आता है जब वैकेंसी जो कि अलग अलग रीजन्स वाइज निकाली होती है। तो दोस्तों एसएससी जीडी में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग वैकेंसी हर रीजन्स की होती है, तो दोस्तों यदि उस प्रकार की वैकेंसी जब एसएससी निकालता है तो रीजन्स वाइज जो कि कटाप निकालती है, आप लोग निश्चिंत रहिए आपकी कटाप एक में ही आएगी। दोस्तों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी आंसर की किस दिन आएगी। दोस्तों आंसर की के रिगार्डिंग आप लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको बता दें 25 दिसंबर तक आपका जो कि आंसर की आएगा। और आंसर की में आप लोग क्या क्या देखोगे दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। आप लोग उसमें अपना जो कि जितने भी क्वेश्चन आया था पेपर देख लोगे और उसमें कौन सा टिक आप लगाए थे और कौन सा सही है कौन सा गलत है उसमें टोटल आपका आएगा। उसमें आपका नंबर नहीं दिखेगा, आपको केवल इतना दिखेगा कि आपका ये सवाल था और आपने ये लगाया और ये क्वेश्चंस उसका सही है। दोस्तों यदि आपको कंफ्यूजिंग किसी भी क्वेश्चंस में रहेगा कि नहीं ये तो हमने सही लगाया था, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, यानी आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म भी एक मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आंसर की के रिगार्डिंग आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस भी कैंडिडेट का आंसर की में 60+ जो कि नंबर रहेगा वो अपना फिजिकल तैयारी करिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ आपको बता दें, अगर महिला का जो कि 60+ रहता है तो नॉर्मलाइजेशन में अगर 5 नंबर भी बढ़ जाएगा तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ आप लोग जानते हो दोस्तों, कटाप ज़्यादा नहीं जाएगा, निगेटिव मार्किंग था और पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। और आपको बता दें, यदि किसी मेल कैंडिडेट का 60+ सही रहता है और उसका जो कि यदि 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है तो 70 नंबर हो जाएगा और उसका भी सिलेक्शन होने की कगार बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यदि 60+ रहे आंसर की में नंबर, फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। आपको बता दें, जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम अभी बाकी है उसे क्या करना है, उसे बस इतना करना है कि जब वो एग्जाम हॉल में बैठे तो इतना ध्यान देना कि 3 बार में अपना पेपर अटेंड करना। जैसा कि आप लोग जानते हो, इजी भी क्वेश्चंस आ रहा है, मॉडरेट भी क्वेश्चंस आ रहा है और हार्ड भी क्वेश्चंस आ रहा है। पहले आप लोग पूरा इजी करना, फिर आप लोग मॉडरेट करना, फिर उसके बाद हार्ड करना। दोस्तों यह रूल अपनाना
तभी आप लोग अच्छा पेपर कर पाओगे। आपको मालूम है दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती कर दिए हैं, एक साथ पूरा पेपर हल करना शुरू कर दिए हैं और जहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस आ गया वहीं फंस गए और आगे का सभी इजी भी क्वेश्चन छोड़ गया। सो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को मैं फिजिकल के रिगार्डिंग, रिटन एग्जाम के संबंधित सब कुछ इन्फॉर्मेशन लगातार प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।